हेलो दोस्तों, रूहानाज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और डोरमेट का एक और वीडियो यह हम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये यहाँ मैंने 28 फंदों का डोरमेट बनाया है। तो इसके लिए हमें दो कलियाँ बनानी है, एक बड़ी और एक छोटी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 28 फंदे ले लूँगी। यहाँ मैंने सिलाई में 28 फंदे डाल लिए हैं। फंदे कैसे डालते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया हुआ फंदे कैसे डालते हैं, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। तो ये सारे फंदे मैं दूसरी सिलाई में बुन लूँगी। आखिरी के दो फंदे मैं बिना बुने छोड़ दूँगी। देखिए मैंने दो फंदे बिना बुने छोड़ दिए, दूसरी तरफ से बुनाई स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ भी हमें सारे फंदे दूसरी सिलाई में ले लेने हैं, सिर्फ आखिरी के दो फंदे हमें छोड़ देने हैं। ये देखिए मैंने लगभग सारे फंदे बुन लिए हैं। ये दो फंदे हम छोड़ देंगे और दूसरी तरफ से बुनाई स्टार्ट कर देंगे। मैंने धागा दूसरी तरफ लिया, अभी दूसरी तरफ से बुनाई शुरू करेंगे। तो इसी तरह से हमारी पहली कली की बुनाई चलती रहेगी। हमें दो दो फंदे हर बार छोड़ते हुए जाने हैं। ये देखिएगा आप, चार फंदे हो गए, दो पहले वाले और दो इस बार के। तो इस तरह से 2, 4, 6, 8 ऐसे करके हम फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। तो ये हमारे 28 फंदे हैं, तो हमें दोनों तरफ 10-10 फंदे छोड़ लेने हैं। उसके आगे मैं बताती हूँ बीच के 8 फंदे जो हैं वो हमें कैसे बुनने हैं। ये मैं 10-10 फंदे दोनों तरफ कर लेती हूँ। तो देखिए दूसरी तरफ के 4 फंदे छूट गए हमारे। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ से 10-10 फंदे छोड़ लिए हैं। अभी बीच में हमारे 8 फंदे रह गए हैं, तो 8 फंदों में एक सिलाई में सीधे उतार लाऊंगी। ये 8 फंदे दूसरी सिलाई में कर लूंगी मैं। तो ये देखिएगा, एक बार को 8 फंदे मैंने बन लिए। अभी दूसरी तरफ से मैं जब बुनाई करूंगी तो ये 8 फंदे बुनने के साथ ही जो दो दो फंदे हम छोड़ते जा रहे थे उन्हें फिर से हम बुनाई में लेने लगेंगे। तो यहाँ देखिएगा आप, देखिए 8 फंदे तो बुन लिए, साथ ही बीच में जो गैप रह जाता है वहां से हम एक फंदा उठाएंगे और 2 का 1 कर लेंगे और एक आगे वाला फंदा बुन लेंगे और दूसरी तरफ की बुनाई शुरू करेंगे। दूसरी तरफ भी हमें वही करना है
कि जो छोड़े हुए दो फंदे हैं वो हम ले लेंगे और बीच का गैप करने के लिए हम बीच से एक फंदा उठा लेंगे। तो इस तरह से सारे दोनों तरफ से छोड़े हुए 10-10 फंदे हम फिर से उठा लेंगे और हमारी कली की गोलाई जो है वो आ जाएगी और हमारी कली कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए मैं बीच से फंदा लिया, अभी दो का एक करेंगे और एक आगे वाला फंदा ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि दो का एक करने से ना ही तो हमारा कोई फंदा बढ़ेगा और जो बीच का गैप होगा वो दिखेगा नहीं, और ना हमारी कली में छेद जैसे जाली जैसे बन जाएगा। तो इसलिए हम बीच का फंदा उठा लेते हैं, तो फूल की पत्ती जैसी डिजाइन फिर हमारी बन जाती है, इसमें गैप दिखाई नहीं देता। तो ऐसे उठाते हुए मैं ये पूरी कली की बुनाई कर लेती हूँ, आखिरी में फिर आपको आगे की डिजाइन बताती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसी ही बुनाई हमारी आती जाएगी। ये देखिए गोलाई हमारी आने लग गई है, कली बनने लगी है। तो मैंने देखिए लगभग सारे फंदे उठा लिए, हमारे दो फंदे ही और बचे हैं, तो इनकी बुनाई भी मैं कर लेती हूँ, फिर मैं दूसरा कलर ऐड करना बताती हूँ। तो बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है हमारे डोरमेट। तो इसे आप टेबल पे बिछा सकते हैं, मेज पोस, थाल पोस, डोरमेट जैसे चाहे वैसे यूज ले सकते हैं आप। या मैं पुरानी चुन्नियों से बना रही हूँ, आप ऊन से बनाइए, थाल पोस के जैसे यूज कीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए इस तरफ से हमारे सारे फंदे बुने गए, ये हमारी कली कंप्लीट हुई। ये देखिए अभी हम दूसरी तरफ से बुनाई कर ली मैंने और अभी ये दूसरा कलर ऐड कर रही हूँ छोटी कली की बुनाई के लिए। तो दोनों तरफ से दो दो फंदे उठा के मैंने ये बुनाई कंप्लीट कर ली, अभी छोटी कली की बुनाई करेंगे। लेकिन ग्रीन कलर से पहले मैं ये 28 फंदे एक उल्टी और एक सीधी सिलाई दोनों तरफ से बुन लाऊंगा। तो ग्रीन से सारे फंदे हम दूसरी सिलाई में उतार लेंगे बुनते हुए। एक बार मैंने सारे फंदे उतार लिए, तो ये देखिए ये ऐसी डिजाइन आई हमारी एक कली की। दूसरी तरफ फिर से मैं ये 28 फंदे ऐसे कैसे उतार लूंगी।
इससे क्या होगा कि दोनों जो हमारी पिंक कली है इनके बीच में एक ग्रीन की लाइन आ जाएगी जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। दूसरी तरफ से सारे फंदे मैंने उतार लिए। अभी छोटी कली की बुनाई के लिए हमें 14 फंदे ग्रीन से बुन लेने हैं और हमारी छोटी कली की बुनाई स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये यहाँ से मैंने कट कर लिया है पिंक कलर। इसको इसी में हम मिला लेंगे, ग्रीन के साथ जोड़ लूंगी मैं इसको और 14 फंदे बुन लेंगे हम। ये 14 फंदे हो गए हमारे। अभी हम दूसरी तरफ से बुनाई शुरू करेंगे। मैं तो 14 फंदों एक उल्टी और सीधी बुनाई हमें करनी है। आखिरी का फंदा हम सीधा बुन लेंगे जिससे कि हमारे किनारे की डिजाइन बहुत ही सुंदर आती है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक फंदा छोड़ते हुए आना है। देखिए जो 14 फंदे हमने बुने थे तो अंदर की साइड जब हम बुनाई करते हुए जाएंगे तो हमें अंदर की तरफ से एक एक फंदा छोड़ते हुए आना है। ये फंदा मैंने छोड़ दिया, अब दूसरी तरफ से बुनाई शुरू कर दूंगा। तो इसी तरह से एक एक फंदा छोड़ते हुए आएंगे। आखिरी के दो फंदे पे फिर मैं आके आपको बताती हूँ आगे की डिजाइन कैसे बनानी है। तो देखिए दो फंदे हो गए हमारे, एक पहले वाले एक अभी का, और अभी दूसरी तरह से बुनाई कर देंगे। तो देखिए मेरे 3 फंदे बच गए हैं, मैंने लगभग सारे फंदे छोड़ दिए हैं। और आखिरी का फंदा ये सारे फंदे बच गए, 2 फंदे बचे हैं, यानी हमारे सारे फंदे छूट गए हैं। ये मैं सीधा बोल लूंगी। तो अभी हमें क्या करना है, फिर से एक एक फंदा उठाते हुए जाना है। ये देखिए आधी कली हमारी बन गई है, ये ऐसी डिजाइन हमारी आएगी। पहला फंदा बिना बुना उतार लेंगे, ये एक फंदा हमने बुन लिया और आगे वाले एक और फंदा हम ले लेंगे। ये 3 फंदे हो गए हमारे, और अभी दूसरी तरफ से बुन लेंगे। देखिए पहले हमने 3 फंदे बुने थे, इस बार एक और ले लेंगे, 4 फंदे कर लेंगे। बीच का गैप करने के कम करने के लिए हम बीच से एक फंदा उठा लेंगे। ये बीच से फंदा लिया और वही 2 का एक कर लेंगे।
और ये चारों फंदे बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी गली बुन ली है। ये आखिरी का फंदा ये उठा लेंगे बीच से फंदा। दूसरी तरफ से बुनाई शुरू करते हैं। किनारे की डिजाइन कितनी अच्छी आ रही है। तो ये हमारी कली की बुनाई कंप्लीट हुई। अभी मैं दूसरी कली की स्टार्ट हम कैसे करते हैं वो बताती हूँ। आप इसमें अगर और कलर ऐड करना चाहें तो और कर ले, मैं पिंक से ही इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो ये देखिए इसमें हमें दो सिलाइयाँ सीधे ही निकाल के लानी है। दो सिलाइयाँ हमें आखिर तक उल्टे और सीधे बुन लेनी है। एक सिलाई उतार ली ऐसे दूसरे दूसरी तरफ से और सारे फंद दूसरी सिलाई में बुन लूंगी। तो देख अभी जब हम दूसरी तरफ से बुनाई स्टार्ट करके लेके जाएंगे तो आखिरी के दो फंदे हम छोड़ देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे तो फिर से दो फंदे छोड़ देंगे। ऐसे दो दो फंदे छोड़ते हुए जाएंगे और हमारी दूसरी गली की बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।